तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो आपके पेपर में 3 घंटे का टाइम होगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। सही विकल्प आपको कैसे लिखने हैं, पहला क्वेश्चन साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है, तो देखो कितना दिया जाता है, 6%। विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण होगा, तो देखो परिवर्तन के कारण होगा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। देखो दूसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके अलावा साझेदारों के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है, तो देखो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इसको अंतरित किया जाता है। तो देखो इसका तीसरे का राइट आंसर सा आ जाएगा। अग्रिम याचना पर कंपनी ब्याज किस दर पर देती है, तो देखो ये 12% की दर से देती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12%। ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं, तो देखिएगा ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके अलावा 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि चालू दायित्व 3 लाख रुपये हैं तो इस प्रकार से आपको बताना। तो देखो इसका राइट आंसर सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, यह आएगा 4,50,000। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा और समझ लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा लिख कर आ सके। यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देखते हैं और पूरा समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों को भी पूरा कर लें। पहला क्वेश्चन, ख्याति पर हास नहीं लगाया जाता, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, हास। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, स्थायी पूंजी खाते में साझेदारों का चालू खाता भी बनाते हैं, तो देखो क्या लिखना है, यहाँ पर आपको स्थायी पूंजी खाते में साझेदारों का चालू खाता भी बनाते हैं। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाता है, क्या लिखोगे यहाँ पर, पुनर्मूल्यांकन खाते में इसको क्रेडिट किया जाता है। कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी सबसे पहले लौटाई जाती है, क्या लिखोगे, कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी सबसे पहले लौटाई जाती है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र है, क्या लिखोगे, ऋण पत्र जो है ना ऋण का एक क्या है, लिखित प्रमाण पत्र है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, आधिक्य आर्थिक चिट्ठी में संचयी एवं आधिक्य मत के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं, तो देखो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उसके आंसर को जानते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो, चालू दायित्व के वे दायित्व होते हैं जो 1 वर्ष के अंतर भुगतान किए जाते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको 1 वर्ष लिख लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए, देखो सही जोड़ी कैसे बनानी है, साझेदारी संलेख बनाना, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी, अनिवार्य नहीं है। पुराना अनुपात नया अनुपात, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी त्याग अनुपात से। वसूली खाते में संपत्तियाँ, तो देखो पुस्तक मूल्य पर दर्शाई जाती है। अंश हरण खाते का शेष, तो देखो पूंजी का संचय। आर्थिक चिट्ठा की जोड़ी मिल जाएगी सत्य एवं उचित। इसके अलावा लेनदार की जोड़ी मिल जाएगी आपके चालू दायित्व से। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कैसे पूछे गए हैं। साधारण साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो देखो 100 होती है। त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है, तो देखो ख्याति को बांटने के लिए त्याग अनुपात की गणना आवश्यक होती है। आविका यही एवं खुशी लाभ का 5:3:2 में बांटते हुए साझेदार है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 5:2। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है,
सभी साझेदारों का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? तो देखिएगा, ये अनिवार्य समापन है। क्या लिखोगे यहाँ से? अनिवार्य समापन। उस ऋण पत्र का नाम बताइए जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। तो देखो, पाँच नंबर का राइट आंसर आ जाएगा अशोधनी ऋण पत्र। दो अवधि के आर्थिक चिट्ठी के अंदर दिया जाने वाला लाभांश क्या कहलाता है? तो देखो, इसको कहते हैं अंतरिम लाभांश। क्या कहते हैं इसको? अंतरिम लाभांश। ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार की प्रक्रिया का रोकड़ भाव है? तो देखो, वित्तीय क्रिया का ये रोकड़ भाव है। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा इनके आंसर को समझ लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सको। अब इसके अलावा देखो, प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। ख्याति एक बिक्री योग्य की संपत्ति है, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है, देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिख कर आ सको। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, मांग पर देय ऋणों को चिट्ठी में चालू दायित्व में दर्शाया जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। वार्षिक हास गैर रोकड़ मत है, ये भी आपका सत्य होगा। देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। उसके अलावा ख्याति की दो विशेषताएं आपको बतानी है। स्थायी पूंजी खाते से क्या आशय है, ये आपको बताना है। साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है। सेवानिवृत्त साझेदारों को भुगतान करने की दो विधि आपको बतानी है। साझेदारी फर्म के समापन से क्या आशय है और वसूली खाता क्या है। कंपनी की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए, ये भी आपसे दो अंक में पूछा जाएगा। अंशों के हरण की दो वेद दशाओं को लिखिए। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या है और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश क्या है। अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश क्या है। प्रविवणक के दो उद्देश्य आपको बताने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके अलावा आप इधर आते हैं, अति अभिदान क्या है, ये आपको बताना है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र को परिभाषित आपको करना है। दीर्घकालीन ऋण से आप क्या समझते हैं। लेखांकन अनुपात के कोई दो लाभ आपको बताने हैं। कब विनियोग रोकड़ तुल्य माना जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द क्या है। उसके अलावा देखो, फर्म के नए व्यक्ति को साझेदार क्यों बनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। टोटली आपके पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 18 ही लिखा है, प्रश्न नंबर 19 ही यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आप लोग पढ़ लें। ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा देखो, आगे क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 22 लिखा है, अंशों के निर्गमन संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने के उद्देश्य आपको बताने हैं। उसके अलावा यहाँ से आप लोग देख लें, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।